आज पिक्चर जो है ना वो बोल पा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो रामायण है, ये तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण, दोनों रामायण इसी में है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया दिशा निर्देश है उसमें लिखा हुआ है कि ये वाल्मीकि रामायण भी है और तुलसीदास कृत रामायण भी है। दोनों रामायण आप इसमें मतलब कि आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सारा चीज इसका समझ सकते हैं। तो इसमें दो वाल्मीकि जी का लिखा हुआ रामायण भी आपको मिलेगा और तुलसीदास का लिखा हुआ रामायण मिलेगा। इसको आप संस्कृत में या जिस भाषा में, चार भाषा में है अभी, ठीक है, उन चार भाषा में आप इसको सुन सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल, ये चार भाषा में ये दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल। और जो भी इसमें चौपाई है, जो भी चौपाई दिया गया है, सारा चौपाई उस भाषा में बोला जाएगा, उसको आप फिर उसका अर्थ जो है, अनुवाद जो है, इन चारों भाषा में आप सुन सकते हैं। हम दिखाते हैं कैसे होता है। ये प्रथम सोपान है बालकांड, तो हम यहाँ पहले गेट स्टार्टेड पे टच करेंगे, तुलसीदास रामायण बालकांड जी। अब इसमें जो भी चौपाई है, जिस चौपाई पे हम इसको रखेंगे पेन को, वो उसको पढ़ के सुनाएगा। बहरी बंदी खलगन सती भाई, जी बिनु काज दाहिनी हुवाई, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब क्या है, इसको फिर हम टच करेंगे तो इसका ये जो हिंदी में अर्थ है वो हमें पढ़ के सुनाएगा। इस चौपाई में तुलसीदास जी सच्चे हृदय से उन दुष्टों को प्रणाम करते हैं जो बिना किसी कारण के उन लोगों के प्रतिकूल आचरण रखते हैं जो वास्तव में उनका ही कल्याण चाहते हैं। मैं एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हर एक पेज में ये मार्का दिया हुआ है, ठीक है। इस मार्का में है कि आप जब इसको टच कीजिएगा तो इस पेज का यहाँ स्टार्टिंग से जो भी आपका चौपाई है वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। और ये जो बगल में ये जो मार्का दिया गया है, इस मार्को को अगर टच कीजिएगा तो उसी पेज के सारे जो भी चौपाई है उसको गा करके सुनाया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए मैंने यहाँ पे टच किया, वाल्मीकि नारद कटजोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी, जलचर थलचर नभ चरनाना, जे जग चेतन जीव जहाना, मति कीर्ति गति भूति बलाई, जब जे ही जतन जहां जे ही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोक हूँ बेदन आन उपाऊ, बिनु सतसंग विवेकन होई। इसमें क्या है कि ये शुरू से लेके इस पेज के लास्ट तक, इस पेज के लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक आपको पढ़ के सुनाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको टच करेंगे तो आप एक गा करके सुनाएगा, इसी चीज को गा करके सुनाएगा। इसमें क्या है खास बात कि चार जो भाषा दिए गए हैं चौपाई का, वो चारों भाषा में आप उसका मतलब समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक चौपाई का दिखाता हूँ, पहले तो आपको चौपाई पढ़ के सुनाएगा, उसके बाद हम गुजराती में जाना चाहते हैं, हमने गुजराती टच किया, अब फिर इसको टच करेंगे। आ चौपाई में तुलसीदास जी ने दुष्ट लोगों ने निष्ठा पूर्वक वंदन करे, तो इसका चौपाई कोई पण कारण में गुजराती में इसका मतलब समझाया जाता है, प्रतिकूल वर्तन करे जो खरेखर तेनु कल्याण ती। देखिए एक ऐसा मतलब कि अद्भुत रामायण ग्रंथ हमें मिला है कि हम जिस तस्वीर पे, जिस जगह पे उसका इस पेन को रखेंगे उसका ध्वनि हमें सुनाई देगा। जैसे ढोलक है, जैसे भोंपू है, ये नंदी जी जिसपे शिव शंभु सवार है, ये भक्तगण जो हर हर महादेव, तो कितना अद्भुत है, तस्वीरों बोलती हुई मतलब एक तरह से आपको बुक मिल रहा है, ग्रंथ मिल रहा है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो हर घर में मतलब रामायण और गीता और संपूर्ण हनुमान ये जरूर होना चाहिए कि हम अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को इसका मतलब सही सदुपयोग बता सकें, ठीक है। नमस्कार।